विजय हाइट्स बिल्डर की मनमानी से परेशान होकर दर्जनों बायस ने प्रदर्शन किया। बायस ने ग्रेटर नोएडा में एसएसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी देहात अभिषेक यादव से मुलाकात की और अपनी समस्या बताई। बायस का कहना है कि ग्रेटर नोएडा में एवीजी हाइट्स के प्रोजेक्ट जीटा वन में फ्लैट लिया है, लेकिन पूरी पेमेंट देने के बाद भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। बिल्डर को अभी तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एनओसी नहीं दी है, जिसकी वजह से अभी तक बायस को रजिस्ट्री भी नहीं हो पाई है। बायस बिना रजिस्ट्री के ही यहाँ पर रह रहे हैं। हमारी फुल पेमेंट लेने के बावजूद भी हजार फैमिलियां वहां रह रही हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इशू नहीं करा है। करीब 1-1 लाख सब ने दिया ताकि हमें एंट्री मिले, हम अपने घर का पोजेशन मिले। अभी तक ना पोजेशन ना रजिस्ट्री, तो बड़ी दूर की बात है। और वो छोड़ो, रहने के हालात ही सही नहीं है, ना लिफ्ट ना बिजली कभी काट, और ऊपर से धोखाधड़ी, मतलब कहाँ तक झेले कोई तो मनमानी कर रहा है वो। उसमें जितने भी कभी 85 रुपए किलोवाट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेज लगा रहा है, बाकी लोगों से 45 रुपए ले रहा है, तो ये सब हैरेसमेंट किया जा रहा है, जिसकी कार्रवाई के लिए हम एसपी साहब के दफ्तर में। हाँ, ठीक है।